तो पता तो चले कि ये हुआ क्या था। और मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूँ कि जब भी इंडिपेंडेंट कमीशन बैठेगी इसके अंदर एक मुनज्जम साजिश आपको नजर आएगी। प्लान किया हुआ था सब कुछ, क्योंकि मुझे तो शुरू में पता ही नहीं, मैं तो जेल में था चार दिन, मुझे तो ये नहीं पता कि हो क्या रहा। तो मैं जब बाहर निकला जेल से, उनका जी तबाही हो गई, ये हो गया, घर चलाए गए, कोर कमांडर। क्योंकि 27 साल में एक दफा बताओ कि कभी कोई इस तरह की जला घराव कुछ हुआ है 27 साल में। पीछे हो जाए यार, पीछे कैमरे में आ रहा है। और मैं एक आर्मी ऑफिसर को नाम लेता हूँ उसका, इंटेलिजेंस ऑफिसर, तब तो कोई नहीं चलाता, अब तो कोई बिल्डिंग नहीं चलते। तो ये एकदम क्या हुआ, तो इसका हमें आप मुझे पूरी तरह अंदाजा। और मैं आज डिमांड करता हूँ कि जब पर बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क के अंदर चार दिन जो हुआ है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई जाए। और इंडिपेंडेंट कमीशन में क्या चीज सामने आएगी, मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या चीज सामने आएगी। मेरे सामने तो हम आपको सबूत देंगे लोगों को हमला करवाया गया है। पिंडी के अंदर पुलिस पीछे से खड़ा था, पीछे से पुलिस करके उनको GHQ की तरफ धकेला है। और रास्ते में कोई पुलिस नहीं थी GHQ के। यहाँ जो हुआ है, अब हम लाहौर जानते हैं, मैं तो पैदा यहाँ हूँ, ये पास ही है, 3-4 मील यहाँ से है वो कोर कमांडर। कभी सुना है कि कोर कमांडर लिबर्टी से लोग चल रहे हों और कोर कमांडर घर पहुँच रहे हों, खाली पड़ा होगा कोई? यानी कोर कमांडर इतनी बड़ी पोजिशन होती है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। CCTV कैमरा किधर है? बस CCTV कैमरा लगे होंगे, पता तो चले वो कौन सी शक्ल थी जिन्होंने जलाया। अब तक तो सामने आ जाना चाहिए था सब कुछ। टीवी पे इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है, कम से कम वो शक्लें तो दिखा दे CCTV कैमरा पे, किन लोगों ने जलाया था कोर कमांडर का घर। और क्या आपको हमारी डॉक्टर यास्मीन, मेरी बहनें वहां बाहर खड़ी होकर कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना? कौन था जिसको अंदर उनको किया? वही लोग थे जिन्होंने मियांवाली के अंदर झांस चौक पे सब, जब वहां पूरा मन इतजाज कर, उन्होंने कहा ये इसको जलाना है जहां से, वो भी वहां से रिपोर्ट थे। वो आगे उनको आगे कह रहे थे कि आपने ये करना है। पेशावर में वही रिपोर्ट आ रही है कि अंदर घुसे हुए थे लोग जो आप उकसा रहे थे क्राउड को। देखिए 27 साल में